सो गए इस टाइम में रात का 12:30 हो रहा है, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो मैं मुझे कुछ खाने का दिल कर रहा है कि मुझे भूख लग रहा है, मैं कुछ खाऊं। सो मैं अभी किचन में आई हूँ और मैं देखती हूँ किचन में क्या है। मुझे बहुत भूख लग रहा है इस टाइम में और बहुत ही कुछ खाने का दिल कर रहा है। सो मैं वैसे मैंने ये सारे बर्तन रात में सोने से पहले मैंने ये सारे मतलब धो के ऐसे रखे थे, तो ये सूखा नहीं है, ये कल सुबह में इसको रख देंगे। लेकिन अभी पहले तो मैं कुछ ढूंढती हूँ खाने के लिए। वैसे मेरे पास ये चिप्स है पर मुझे ये खाने का मन नहीं है। सो मुझे ये मिल गया है मिको। सो ये उस दिन ममता बहन में जब आई थी तो उस समय लेके आई थी, क्योंकि ये हम लोग सिलों में बहुत खाते थे। मैं भी इसको एक्चुअली इसको मिल्क में मतलब मिक्स करके पीना होता है, तो मैं अभी इसको थोड़ा सा मिल्क गर्म करके मैं इस मिल्क में डाल के इसको पीती हूँ। सो मुझे अभी मिल्क चाहिए। सो मैं मिल्क ले लूँगी और इसको थोड़ा सा गर्म कर दूँगी। पता नहीं कभी मुझे ऐसा नहीं होता है, लेकिन आज तो मुझे नींद नहीं आ रहा है। और एक तो मैंने मतलब नाइट डिनर में मैंने सिर्फ एक ही रोटी खाई थी, शायद इसलिए मुझे भूख लग रहा है। इसको थोड़ा गर्म कर देंगे, उसमें थोड़ा सा चीनी डालूँगी। वैसे तो इसमें ऑलरेडी चीनी होता है, फिर भी मैं थोड़ा सा चीनी डालूँगी। तो आप देख सकते हैं ये अंदर में इस तरह से होता है, अब और चीनी भी है देखिए मिक्स किया हुआ। सो इसलिए इधर में मैं थोड़ा सा चीनी डाल लिया है। अब मैं इसको कप में डाल लूँगी। मिल्क भी उबल चुका है, अब हम इसको डाल देंगे इसमें और अब हम इसको इस तरह से मिक्स कर देंगे। ओके, अब हम इसको पीएंगे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू संजीव ब्लॉग। आई ऑलवेज सब बढ़िया है और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक है। सो आज मैं आप लोग के लेके आई हूँ फिर से एक नई वीडियो को। आई होप आज की मेरी वीडियो को आप लोग को पसंद आएगा। मैं अभी अभी उठ चुकी हूँ और मैंने कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं किया है। तो मैं सबसे पहले पानी पीऊँगी, उसके बाद ब्रेकफास्ट खाऊँगी, उसके बाद मैं अपना घर का सारे काम करूँगी। तो मैं पहले अभी किचन में जाती हूँ और पहले गर्म पानी लेमन वाटर पीती हूँ। सो वो पीने के बाद फिर हम ब्रेकफास्ट खाएँगे और उसके बाद घर का काम करेंगे। रात में सिर्फ एक ही रोटी खाऊंगी। मैं कई टाइमों से मैं चलते आ रही हूँ, रात में एक ही टाइम मतलब एक ही रोटी खाऊंगी बोल के। सो दूसरा दिन में तो मैं जल्दी जल्दी सो जाती हूँ, इसलिए इतना पता नहीं चलता, डायरेक्ट सुबह में उठती हूँ। तो कल तो मुझे बिल्कुल नींद ही नहीं आया, तो रात का 12:30 में मुझे भूख लगना स्टार्ट हो गई। तो क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रही। तो फिर मैं किचन में जाके मुझे मीको मिला, तो वही मीको मैं बना के पी लिया। तो उसके बाद तो फिर मैं सो गई। मतलब सच में मुझे रात में भूख लग रही थी, इसलिए शायद मुझे नींद नहीं आया। तो रात में वो मीको पीने का, तो मैं मज़ा से उसके बाद थोड़ा देर में मैं सो गई। तो मेरा ब्रेकफास्ट भी डन हो चुका है और मैं अभी जाती हूँ और मैं पहले घर का काम करती हूँ और घर का काम ख़त्म होने के बाद फिर लंच बनाऊँगी। उसके बाद एक्सरसाइज भी करना है। तो अभी मेरे पास बहुत सारा काम है। सो मैं कोशिश करूँगी आप लोग से शेयर करने के लिए मेरा आज का दिन भर का काम। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा।
पहला धो दिया, खत्म हो गया, और मैंने अब इसकी साइड में मिल्क बिठाया है। और आज मैं लंच में बनाऊंगी राजमा। मैंने कल रात भी राजमा भिगा के रख दिया था, सो मैं अभी उसको राजमा को बॉईल करने के लिए कुकर में बिठा के रख दूंगी। उसके बाद मैं घर झाड़ू मारूंगी, पोछा लगाऊंगी, उसके बाद फिर एक्सरसाइज करूंगी। आज मैं भिगा के रखा था मैंने रात में, सो अभी इसको मैं सीटी लगवाऊंगी, तो उसके बाद में इसका तड़का लगाऊंगी। सो मैंने यहाँ पे ये राजमा बिठा दिया है, तो ये सीटी लगने तक मैं झाड़ू मारती हूँ और पोछा लगाती हूँ। राजमा और चावल तो पक चुका है मेरा, ये चावल है और राजमा इधर में ये पक गया है, तो मैंने इसको उतार दिया। अब मैं चटनी ना इसका साथ, सिर्फ राजमा है तो मैंने सोचा ये स्प्रिंग ओनियन का चटनी बनाऊं बोल के ना, तो ये स्प्रिंग ओनियन और ये थोड़ा सा धनिया मैंने काट लिया है, और ये थोड़ा सा ओनियन छोटा सा, और ये मिर्ची और ये अदरक लहसुन मैंने ये ले लिया। सो अब इसको मैं फ्राई करूँगी, और फ्राई करके थोड़ा ठंडा करके उसको ग्राइंड कर लेंगे। सो ये गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें सबसे पहले डालूँगी अदरक लहसुन। इसका चटनी बहुत ही टेस्टी होता है। ये जो ये स्प्रिंग ओनियन डाल देंगे, ये अभी देखने में थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, पर ये जब फ्राई हो जाएगा ना तो ये बिल्कुल थोड़ा सा हो जाएगा। और ये धनिया भी डाल देती हूँ, और अब इसको अच्छा से फ्राई कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये फ्राई होने के बाद कितना थोड़ा सा हो गया है, ये इस तरह से ये फ्राई होने का बिल्कुल थोड़ा सा बन जाता है। लेकिन सिकने के लिए तो पंकज तो नहीं खाएगा, सिर्फ मेरे लिए, तो ये तो आज का अभी लंच में और डिनर के लिए भी हो जाएगा। तो ये हो चुका है अभी, तो मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ और इसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। मेरा अभी सारा काम खत्म हो चुका है, मैंने एक्सरसाइज भी कर लिया और नहा लिया है। सो अभी हमारा टाइम है लंच खाने का, सो अभी हम लोग पहले लंच खा लेते हैं। सारा टेबल में ला चुका है, ये आज का हमारा लंच, ये राइस है और ये राजमा, और ये कल का सोया चाप था तो ये बच गए थे वही, और ये मैंने कल शाम को मैंने इवनिंग टी के लिए मैंने ये आलू फ्राई किया था इस तरह से, आलू भुजिया, तो ये अभी भी बहुत क्रंची है, और वो वही चटनी स्प्रिंग ओनियन का, और एक रोटी। सो ये है आज का हमारा लंच, सो अभी हम लोग लंच खाते हैं। Yes, हम लोग का आज का लंच भी हो चुका है, हमने लंच भी खा लिया है और अभी सारे काम खत्म हो गया है। सो अभी टाइम है थोड़ा रेस्ट करने का, सो थोड़ा रेस्ट करती हूँ
और लेकिन आज का इस ब्लॉग को भी मैं इतना में एंड करती हूँ, क्योंकि अभी मैंने सुबह से पूरा मैंने अपना जितना भी मेरा रूटीन है मतलब दोपहर तक का मैंने वो सारे आप लोगों को दिखाने के लिए कोशिश किया है। तो अगर मैं शाम तक रखूँगी तो मतलब ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आज की इस वीडियो को मैं इतना में एंड करती हूँ। आई होप आज की मेरी वीडियो को आप लोग को पसंद आया है। अगर पसंद आया तो प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कॉमेंट्स भी करिएगा कि आप लोग को कैसा लगा। तो फिर आप लोग को मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।